अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे एजाज़ हासिल हुआ पिछले दिनों अल हिजरा ट्रस्ट के स्कूल जाने का जो कि ज़्यारत में है। वहाँ जब मैं पहुँचा तो शाम का टाइम हो गया था और थोड़ी सी ठंड भी उनकी भी शुरू हो गई थी। और क्वेटा से सिर्फ 2-2.5 घंटे का रास्ता है, पता भी नहीं चला। बहुत खूबसूरत सी सीनरी थी रास्ते में। और हम जब वहाँ पहुँचे तो सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए थे और बहुत ही ज़्यादा पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ कि मुझे 165 बच्चों के साथ हाथ मिलाना पड़ा। और मुझे अफसोस हो रहा था और खुशी भी हो रही थी एट द सेम टाइम। अफसोस ही हो रहा था कि बेचारे मेरी वजह से लाइन में खड़े हुए हैं और मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए पता नहीं कब से खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। और खुशी ये हो रही थी कि इतने ज़बरदस्त लोगों से हाथ मिलाने का मुझे मौका मिला, कि इतने ज़बरदस्त बच्चे हैं और यू नो उनसे मिलने। ज़बरदस्त बच्चे क्यों हैं? ये वो बच्चे हैं जिनके वालदैन और उनकी फैमिली कंबाइन तौर पर कम से मैक्सिमम 1 लाख रुपए साल का कमाते हैं, यानी 8,000 रुपए महीने से कम उनकी आमदनी। और इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक वाकया मेरे वहाँ पे किसी ने वापसी में सुनाया कि एक बच्चा खाना खा रहा था और बच्चा खाना खा रहा था और बोटी को देख रहा था गोश्ती और रो रहा था, और रोते 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 बस वो रो रहा था, बैठा हुआ था रो रहा था, गोश्त को देख रहा था और रो रहा था। तो जिसने मुझे वाक्या सुनाया उसने कहा मैं वहाँ जाके बैठा और मैंने कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने कभी गोश्त नहीं खाया जिंदगी। तो उसने कहा कि तो शुक्र अदा करो अल्लाह मियाँ का कि तुमने कभी गोश्त नहीं खाया, और अल हिजरा वालों का शुक्र अदा करो कि तुम यहाँ पर आए हो और तुम्हें गोश्त खाने को मिल रहा है। कहते हैं वो तो मैं इनके लिए दुआ भी करूँगा, अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहा हूँ। मैं रो इसलिए नहीं रहा, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे भाइयों और मेरी वालदैन ने भी कभी गोश्त नहीं खाया और मेरी ख्वाहिश है कि वो भी मेरे साथ ही गोश्त खा ले। तो ऐसे बच्चे वहाँ पर जमा थे, और जब आप ऐसे बच्चों के दरमियान में होंगे तो आपका दिल अगर नहीं दहलता तो फिर शायद हम इंसान नहीं। खैर, अल हिजरा एक रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर इनकी सुबह से लेके मैं इनके प्रिंसिपल को सलूट पेश करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने इंतज़ाम करके रखा हुआ है। सुबह से लेकर जो रात तक का ज़बरदस्त स्केड्यूल है, खाने की पाबंदी, चीज़ की पाबंदी, टाइम की पाबंदी, बंदों की एक्सरसाइज की पाबंदी, ये जो बच्चे हैं ना ये वाकई रॉकेट बन जाएंगे। ये बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे हैं क्योंकि इनके वालदैन ने आज़ादी दी है कि अल हिजरा वाले इनकी तरबियत सही तरह से कर सकें, इनकी तालीम पर मेहनत कर सकें। और यही सबसे ज़्यादा मेरे लिए अट्रैक्टिव चीज़ थी। आखिर में मैंने रियलाइज़ किया कि ये सबसे ज़्यादा मेरी अट्रैक्टिव चीज़ थी कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो हीरे बन सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है हीरे बनने की, क्योंकि उनके वालदैन उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहे और उनकी वालदैन ने अल हिजरा वालों पर भरोसा करके वहाँ पर उनको डाल दिया। अल हिजरा में उनको बेहतरीन कपड़े जूते, सर्दियों के लिए बेहतरीन हमने देखे उनके यूनिफॉर्म, बेहतरीन जूते, सर्दियों के जूते अलग क्योंकि वहाँ बहुत सख्त सर्दी होती है, तो सर्दी के लिए उनके लिए स्पेशल जैकेट्स। हर बच्चा जुमे वाले दिन सदरी और वाइट कपड़ों में होता है, बहुत प्यारे लगते हैं सारे बच्चे। और ये वो बच्चे हैं जिनसे मुझे लगता है कि मुझे कुछ उम्मीद नज़र आती है कि मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैंने इनको प्रोजेक्ट दिया था कि यहाँ पर जब कुछ क्वान्टिटी थी कि इतने लोग मेरे साथ म्यूचुअल फ्रेंड बना लेंगे 500-500, तो मैं वापस जाऊँगा और एक हफ़्ते फिट रहूँगा उनके साथ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं उनकी तबीयत अच्छी, ये मेरे पास जो इलम है मैं कम से कम वो तो ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो अगर आप इनके लिए कोई भी खिदमत कर सकते हैं, अगर आप विज़िट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वर्चुअल टूर्स इनके अवेलेबल हैं वो आप देखें। और मेरे लिए तहे दिल से दुआएँ हैं उस्मानी साहब के लिए, मेरे लिए तहे दिल से दुआएँ साकिब साहब के लिए कि उन्होंने जो सदका जारी अपने लिए और अपनी कौम के लिए बनाया है उसका अल्लाह में उनको ज़रूर सवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।